चलिए बच्चों, आज फिर न्यूटन्स का नेक्स्ट, न्यूटन्स लॉ एनेलम का नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक लेक्चर पढ़ा चुके हैं, उसमें आपको बेसिक कंसेप्ट जितना भी आपके फोर्स होते हैं, कौन कौन सा फोर्स यूज होगा, बस वही हम फोर्स अभी यहाँ पे लिए हैं। और आगे मैकेनिक्स इस समय पढ़ ही होंगे और कि हम भी पढ़ाएंगे जो कितने होते हैं फोर्स कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, वो सब हम नहीं बताए। बस मैकेनिक्स में जो मेरे मैकेनिकल फोर्स की जरूरत है वो हम बता चुके हैं, वो बेसिक कंसेप्ट बता दिए कि कहाँ कैसे लगता है, और एक दो क्वेश्चन करवा दिए। आइए उसी को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, छोटा छोटा कंसेप्ट है, वही 3 से 4 कंसेप्ट है बस, और सिर्फ क्वेश्चन है, अपने करने से आपको क्लियर होगा सब कुछ। आइए, इसे पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, हल्का सा ये कर लेते हैं एक बार, छोटा सा इंट्रो लेक के साथ। हम बोले थे कि हमेशा एबीजी बनाना जरूरत नहीं होता है, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg। फोर्स कितना लगा, 70 न्यूटन ले लीजिए, 70 न्यूटन। तो आपको पूछा जाएगा कि फाइंड ए एंड टेंशन, एंड टेंशन टी ऑफ स्ट्रिंग, टेंशन ऑफ स्ट्रिंग या टेंशन बिटवीन स्ट्रिंग्स पूछा जाएगा। इसमें मान लीजिए T1 ये, T2 ये, T3 होगा। अगर आप एबीडी बना के करेंगे तो इससे पहले के लेक्चर में हम दिखा चुके हैं, कर सकते हैं, वहां पर सभी का एबीडी बनाइएगा, ठीक, उसका इक्वेशन लिखिएगा, आ जाएगा। हम अभी बस मेथड नंबर 2 से करते हैं। इसको क्या मानिए, सिस्टम एक मानेंगे, आप तो देख रहे हैं, क्योंकि जो स्ट्रिंग आपका दिया रहेगा वो न तो एक्सटेंसेबल होता, जो ये नहीं कि नमर गया, वो नमरेगा नहीं, एकदम सॉलिड रहता, जैसे जितना लेंथ है वही हमेशा कॉन्स्टेंट रहता था, इन एक्सटेंसेबल रहता, कोई जरूरत नहीं उस सब। तो आइए सीधा एक, अगर सिस्टम आप अपने देखने से तो आपको पता आया कि बस ऐसा दैनिक जीवन में जो डेली लाइफ में एग्जांपल है वो तो देखते हैं, रस्सी पकड़ के अगर कोई गाड़ी को खराब हो जाता है, टॉर्चर करते हैं, खींच के ले जाते हैं गाड़ी, तो जितना जो गाड़ी आगे है वो जितना स्पीड से चल रहा है, अगर उस गाड़ी दूसरे गाड़ी का टॉर्चर किया हुआ वो भी उतना ही स्पीड से चलते हैं, कम ज्यादा नहीं। इसका मतलब है कि सभी ब्लॉक 2 kg, 3 kg, 4 kg एंड 5 kg, क्या ये 4 ब्लॉक है, चारों क्या होगा, एक स्पीड से ही चलेगा या एक ही एक्सेलरेशन से चारों आगे बढ़ेगा फिक्स। तो और देखिए ये क्या होता है, टेंशन या नॉर्मल बिटवीन ब्लॉक्स, ये क्या होता है, दोनों इंटरनल फोर्स होता है, ठीक, ये आपसी दोनों का अंदर की बात है, हमें बाहर की बात पे दिया, एक्सटर्नल पे देना है, इंटरनल मीटर पे किसी पे नहीं जाना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए इंटरनल में क्या है, बात नहीं है। तो चलिए इंटरनल मीटर पे हम ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ एक्सटर्नल पे देंगे, सिर्फ एक्सटर्नल पे देंगे तो देखते हैं कि एक 70 न्यूटन का फोर्स सिर्फ लग रहा है, ठीक, 70 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये सभी ब्लॉक एक साथ जाएंगे, तो एफ नेट क्या हो जाएगा, ए बराबर होता है एफ नेट अपॉन एम टोटल, एफ नेट कितना हो गया 70 न्यूटन, और एम टोटल कितना हो गया 5 + 4 + 3 + 2 40 kg हो गया। यहां से क्या आ गया, वो 5 m/s² जब ये एक्सेलरेशन आ गया, इसका मतलब है कि पूरे सिस्टम पूरे सभी ब्लॉक 5 m/s² से चल रहा है, ये भी क्या 5 m/s² से चल रहा होगा, ये भी 5 m/s² से चल रहा होगा, ये भी क्या 5 m/s² से चल रहा होगा। अच्छा ये देखिए, अब जब ये हो जाए आपको टेंशन निकालना होगा, तो देखिए आप ध्यान दीजिए, अब आइए इंटरनल, जब बाहर की बात हो जाए तब आइए इंटरनल पे, हम फोर्स लगा रहे हैं सिर्फ क्या 5 kg पर, लेकिन इसके इस तीनों ब्लॉक को ले जाने की जिम्मेदारी किसके पास है, टेंशन के पास, यही स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग इस तीनों को ले जाए, अगर इस स्ट्रिंग को यहाँ काट देते हैं या टूट जाता है तो क्या ये तीनों ब्लॉक आगे जा पाएगा, नहीं। इसका मतलब है कि ये जो टेंशन है, ये T1 जो है, ये इस तीनों ब्लॉक को आगे ले जाने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो इसका मतलब है कि ये तीन ब्लॉक जो है, ये तीन ब्लॉक, ये क्या है 2, 3, 4, यहां पर क्या लगा T1, इस T1 के कारण ही
ये तीन उपलब्ध जा रहा है, अगर टी वन यहाँ पे जीरो हो जाए या मतलब स्ट्रिंग को काट दिया जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये तीनों ब्लॉक रुक जाएगा, नहीं जा पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये टी वन रिस्पॉन्सिबल है, इसका मतलब क्या हो गया, ये सभी जा रहा है पांच से जा रहा है सभी, इसका मतलब क्या है, फिर वही हो जाएगा टी वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ नेट बराबर एम इंटू ए टोटल, हाँ एम टोटल इंटू ए हो जाएगा, तो चार प्लस तीन प्लस दो कितना हो गया, चार तीन सात दो नौ इंटू ए क्या आया था फाइव इंटू फाइव, टी वन क्या हो जाएगा 45 न्यूटन हो जाएगा। सेम ऐसे टी टू क्या हो जाएगा, टी टू इक्वल टू थ्री प्लस टू फाइव इंटू क्या आया था फाइव यानी 25 न्यूटन, और टी थ्री क्या हो जाएगा टू इंटू फाइव क्या 10 न्यूटन, सिंपल हो गया, एकदम सिंपल है। इसमें आप लिखते हैं चार इक्वेशन देखते तब जाकर, तो अगर आप ऐसे करते हैं तो देखने के साथ ही आप बता सकते हैं क्या 70 न्यूटन फोर्स है, कितना नेट वेट हो गया, नेट एम क्या हो गया, सॉरी एम टोटल क्या हो गया 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 14 केजी हो गया, तो इंसुलेशन क्या होगा 17/14 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टी वन इज इक्वल टू सीधे हो जाएगा, देखिए मौखिक कर सकते हैं 4 प्लस 3 प्लस 2 सेवन नाइन इंटू फाइव 45, टी क्या हो गया, टी टू क्या हो गया 3 इंटू टू इंटू फाइव, थ्री प्लस टू इंटू फाइव क्या हो गया 25, ये क्या था 2 इंटू फाइव 10 न्यूटन, सिंपल है। अगर इधर मान लीजिए इधर कोई फोर्स लगा देते हैं हम 14 न्यूटन का, इधर लगा देते 14 न्यूटन का, ए क्या हो जाता, तब ए क्या हो जाता, ए डैश मान लेते, ए क्या हो जाता एफ नेट 17 माइनस 14 अपॉन एम टोटल क्या हो गया 14 हो गया, क्योंकि ए डस बार लिखिए एफ नेट माइनस अभी अपॉन एम टोटल होता है उसे कर दीजिएगा तो ये क्या हो गया 6 ये 56 अपॉन 14 यानी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उस डायरेक्शन में जाएगा, तब टी वन क्या हो जाएगा 4 3 7 2 9 चौका 36, टी वन क्या हो जाएगा 36, टी टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 4 20, और टी थ्री क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 राइट मीटर हो जाएगा, सिंपल है। ऐसे कीजिएगा तो कोई टाइम नहीं लगेगा, चुटकी में देखते ही आप जवाब दे दे, ऐसा नहीं बहुत सारे क्वेश्चन रहेगा कि आप देखते ही आप उसमें जवाब दे सकते हैं, और नीट में जेई मेन में खास कोई भारी नहीं आता, हल्का जहां पर ऐसा ही कंसेप्ट यूज करना है, क्योंकि आप ज्यादा एफबीडी बनाने जाएंगे तो बहुत टाइम चल जाएगा, क्योंकि एफबीडी बनाने में हम उस फोर्स को भी कंसीडर बहुत कर लेते हैं जिसका कोई जरूरत नहीं रहता हमें इक्वेशन निकालने में या कि क्वेश्चन में जो आंसर के लिए हमें उसका जरूरत, जैसे इसमें देखिए यहाँ सरफेस होगा एम जी इज इक्वल टू एन होगा, इसे हमें जरूरत नहीं है एफबीडी में, लेकिन दिखाना पड़ता सबका इक्वेशन लिखना पड़ता, तो ये क्या है कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन करना है कि ब्लॉक किधर जा रहा है, क्या है सिचुएशन, उस हिसाब से आप डायरेक्ट इक्वेशन लिखिए और एबीडी बनाने की जरूरत नहीं है। एबीडी तब बनाएंगे जब आपको कुछ समझ नहीं आए तब एबीडी जरूरी है, लेकिन अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी आपको हम एबीडी की बनाने की जरूरत पड़ने देंगे, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो जेई आई टी जेई या नीट लेवल के में, ताकि बोर्ड में तो कोई बात नहीं, सीबीएसई बोर्ड में कोई खास ज्यादा दिक्कत नहीं है, उसमें तो थ्योरी भी कुछ आता है। तो आइए आप क्वेश्चन करते हैं एक अच्छा सा, एक क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी कर रहा देते हैं, ये क्या है 5 केजी, ये 4 केजी, ये क्या है 4 केजी, ये 3 केजी, इधर फोर्स लगा कितना 72, इधर लग गया मान लो 24 न्यूटन। तो आपको पूछेगा कि इस एक तो एक्सेलरेशन क्या होगा और नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन दीज ब्लॉक्स, नॉर्मल बिटवीन ब्लॉक्स क्या होगा, तो इसको मान लीजिए इस दोनों के बीच क्या एन वन और इसके दोनों के बीच एन टू, क्योंकि ये इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये एम जी बराबर एन हो जाएगा तो ये तो वर्टिकल डायरेक्शन इक्विलिब्रियम है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले देखिए ए बराबर क्या होता है, ए बराबर हम इधर का क्या मानते हैं पॉजिटिव, इस साइड का राइट वर्ड का पॉजिटिव, लेफ्ट लेफ्ट वर्ड का नेगेटिव, तो एफ ए बराबर क्या हो जाएगा एफ नेट
अपॉन एम टोटल, एफ नेट क्या हो गया 72 इंटू 24 अपॉन एम टोटल क्या हो गया 12, तो ये क्या हो गया 8 यानी हाँ 48 अपॉन 12 ये क्या हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किधर पॉजिटिव आया है तो इधर ज्यादा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो नॉर्मल देखिए यही N1 फोर्स तो हम लगा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यही N1 जो है रिस्पॉन्सिबल है 4 केजी और 3 केजी ब्लॉक को ले जाने के लिए। तो देखिए अगर आप BDA के बनाते हैं, ये हो गया ये क्या 4 केजी, ये क्या हुआ 3 केजी हो गया, इधर क्या है 24 न्यूटन, इस पे लगेगा नॉर्मल इधर। और एक बार नॉर्मल के बारे में देखिए, नॉर्मल हमेशा नॉर्मल रिएक्शन जो होता है, नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन जो होता है ये ऑलवेज पुशिंग नेचर का होता है, पुशिंग नेचर एंड परपेंडिकुलर टू सरफेस, जिस सरफेस ये क्या है कांटेक्ट फोर्स है जो हम बोले थे पहले भी, नॉर्थ परपेंडिकुलर होता है इस सरफेस जो ये है 4 केजी का, हमेशा उसके 90 डिग्री एंगल बना के लगेगा और क्या होगा ये ऑलवेज धकेल लेगा, खींचेगा नहीं कभी। जैसे 5 केजी पर क्या होगा, देखिए 5 केजी पर इधर लगेगा N1 और 4 केजी पर क्या लगेगा इधर N1 लगेगा, तो ये हमेशा क्या होता है पुशिंग नेचर का, कभी ये पुल नहीं कर सकता, जिस ब्लॉक पे लगेगा ये उसको पुश करेगा, पुल कभी नहीं करेगा। और ये क्या जा रहा है इधर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो देखिए यही N1 के कारण ही इधर जा रहा है, क्योंकि फोर्स हम लगा रहे हैं क्या 5 केजी पर जा रहा है ये इधर, इसका मतलब है यहाँ पे नॉर्मल के कारण ही जा रहा है क्योंकि फोर्स तो हम 4 केजी पे लगा ही नहीं। तो आइए N1 क्या हो जाएगा, N1 माइनस 24 बराबर क्या हो जाएगा M टोटल जो बचा हुआ 4 प्लस 7 इंटू A क्या है 4, यहां से आपको N1 क्या आ जाएगा 28 प्लस 24 क्या हो जाएगा 12 और ये 3 टू 52 मीटर हो जाएगा, सही है 4 3 7 6 8 52। अब देखिए यहाँ 4 के जी या 3 के जी में क्या N2 लग रहा है, हाँ तो देखिए ये 3 केजी के बना रहे हैं, ये 3 केजी हुआ, ये N2 इधर और 24 इधर और जा कितना से रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो एफ नेट हो गया कितना N2 माइनस 24 इज इक्वल टू MA 3 इंटू 4 हो गया, यहां से आपको क्या हो गया N2 क्या हो गया 36 न्यूटन हो गया, सिंपल है। तो आपको ऐसे ही सोचना है और ऐसे ही बनाना है। चलिए और क्वेश्चन, एक अच्छा सा क्वेश्चन करवाते हैं। अब देखिए इससे पहले जो बोले थे कि जो भी स्ट्रिंग था वो क्या था मासलेस था, मासलेस था तो टेंशन थ्रू आउट स्ट्रिंग क्या था कांस्टेंट रहता था, जो टेंशन यहाँ पे है वही टेंशन यहाँ भी रहेगा, क्यों फोर्स बार क्या होता है मास गुने इंसुलेशन होता है, तो अगर ये एसलेस से पूरा सिस्टम इंसुलेट कर दे रहा तो मास है ही नहीं तो इसमें टेंशन बदलेगा क्यों, फोर्स आएगा ही नहीं इसके बीच में कोई, क्योंकि ये टेंशन तो है लेकिन ये क्या है मासलेस है, इसलिए टेंशन जो इस पॉइंट पे रहता था वो यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, लेकिन जब इसमें मास आ जाएगा तो यहाँ पे जैसे क्या था हम जब 4 ब्लॉक का सिस्टम किए थे ऐसे ऐसे तो इधर फोर्स लगाए थे तो देखे थे यहाँ का सबसे ज्यादा आया था TA सबसे ज्यादा आया था, TB TC सबसे कम आया था ना, क्यों
कि यही टेंशन जो है इस पूरे सिस्टम को यहां से इतना ब्लॉक को खींच के ले जा रहा है। टी भी क्या दो ब्लॉक को खींच के ले जा रहा है, टी एक क्या है सिर्फ एक ब्लॉक को खींच के ले जा रहा है। जब इसमें भी मास आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि इसके पीछे ज्यादा मास है, यहाँ पे उससे थोड़ा कम क्योंकि इससे थोड़ा मास है। अब फाइनली यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, बहुत कम टेंशन होगा क्योंकि इसके पीछे अपना कोई मास स्ट्रिंग का नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जब अगर स्ट्रिंग में मास आ जाएगा तो टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम नहीं होगा, हर पॉइंट पे वो क्या होगा वेरिएबल होगा। आइए उसी बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं। एक 10 kg का ब्लॉक है, एक स्ट्रिंग है, इसका डेंसिटी दिया गया है 1 kg/m। मतलब 1 m अगर लेंथ होगा तो उसका वजन कितना होगा, 1 kg। हाँ, ये 5 kg का ब्लॉक है और ये स्ट्रिंग का लेंथ यहां से यहां क्या है 5 m। और फोर्स लगा कितना, फोर्स लगा 300 N। क्या 300 N। तो आपको इस पॉइंट को मान लिए टी ए, ये क्या है टी बी, मिड पॉइंट है स्ट्रिंग का, ये टी सी। अगर स्ट्रिंग थोड़ा दिखा दीजिए डबल से, तो आपको टी ए टी बी टी बी टी सी का निकालना है। टेंशन क्या होगा ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे, टेंशन क्या होगा। ये ए पॉइंट हुआ, ये बी, ये बी, ये सी, और एसिलेशन क्या होगा, एसिलेशन क्या होगा आपको निकालना है। तो देखिए, एक तो है कि आप एबीडी बनाएं, एबीडी बनाने के बाद सबको अलग अलग लिखिएगा तो आपको इक्वेशन आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस मेथड से मेथड नंबर 2 से करते हैं तो जल्दी हो जाएगा। लाइए एक बार हम आपको एबीडी भी बना के दिखा देते हैं। देखिए 5 kg के लिए एबीडी बनाइएगा, 5 kg के लिए एफबीडी बनाइएगा और इक्वेशन ऊपर लिखते चले जाएंगे। तो 5 kg पे देखिए फोर्स लग रहा है क्या 300 N। हाँ, इधर क्या लगेगा टी ए टेंशन, और ये इसके कारण क्या लगेगा एम जी नीचे। तो इसके कारण इक्वेशन जो लिखिएगा, और देखिए एसिलेशन क्या माने, ऊपर मुंह माने हैं, अपवर्ड को और पॉजिटिव, अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव माने हैं डायरेक्शन। ये सब बार बार बोलिंग जो दिन खुद भी समझ सकते हैं आप। 300 - इसके लिए कोई इक्वेशन लिखिएगा क्या, ऊपर मुंह का पॉजिटिव 3 - mg, mg की जगह क्या हो जाएगा mg लिखिए, mg माइनस टी ए बराबर क्या हो जाएगा 5 A, या 300 - m का जगह हो गया 5 × 10 50 माइनस टी बराबर क्या हो जाएगा आपका, इतना नहीं दीजिए अभी, 5 g ही से, माइनस 5 g इज इक्वल टू माइनस टी इज इक्वल टू 5 A। इक्वेशन नंबर 1 वो ये होगा, इसको लिख लीजिए आप यहाँ पे 300 - 5 g माइनस टी ए इजकल टू 5 A, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, लिखिए। इसी तरह अब आइए स्ट्रिंग का बनाते हैं। ये स्ट्रिंग का, ये लेंथ क्या है 2.5 m, ये क्या है 2.5 m, तो इसका वजन भी क्या होगा 2.5 kg होगा। यहां पर क्या लगेगा mg, mg इधर टी ए, और इधर क्या टी बी लगेगा। आप एबीडी बनाएंगे तो यहां पे देखिए एबीडी दिखा देते हैं, 5 kg हुआ इधर 300 N, ये टी ए, यहां पे भी एक स्ट्रिंग का होगा, ये टी बी, ये टी सी, ऐसे 10 kg का लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा टी सी एम जी, यहाँ इसका भी एम जी होगा। तो
तो अभी ये क्या पॉइंट है, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। तो ये जो है इस स्ट्रिंग के लिए इक्वेशन लिखिएगा आप, तो क्या लिखिएगा, टी ए माइनस एम जी माइनस टी बी इजल टू एम ए। एम क्या हो गया, 2.5 मीटर है, तो 2.5 kg, 2.5 इंटू ए, या लिख दीजिए वैल्यू, टी ए माइनस 2.5 g माइनस टी वी इजल टू 2.5 a, लिख दीजिए यहाँ पर, टी ए माइनस 2.5 g माइनस टी वी इजल टू 2.5 a, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। सेम इसके लिए लिखिएगा, क्या हो जाएगा, टी बी, इस नीचे पार्ट के बी से सी के लिए, टी बी माइनस फिर वही 2.5 g माइनस टी सी इक्वल टू हो जाएगा 2.5 into a, हो जाएगा। तो लिखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी बी माइनस 2.5 g माइनस टी सी इक्वल टू 2.5 a, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। हाँ, और अब सबसे नीचे ब्लॉक के लिए लिखते हैं, इसमें क्या होगा, टी सी ऊपर एम जी नीचे, टी सी माइनस 10 g इजकल टू क्या हो जाएगा, 10, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। तो देखिए चारों को जब एड कीजिएगा, तो जब 1 + 2 + 3 + 4 कीजिएगा, आपको टी माइनस टी ए प्लस टी ए माइनस टी बी प्लस टी बी माइनस टी सी प्लस टी सी क्या आ जाएगा, कैंसल आउट, आपको बचेगा फाइनल क्या, 300 माइनस 5 g प्लस माइनस 2.5 5 माइनस 10 यानी माइनस 20 g इजकल टू 20 a। तो देख लीजिए एक बार, यहाँ से आपको हो जाएगा क्या, 300 माइनस 200 इजकल टू 20 a, या ए इजकल टू क्या हो जाएगा आपका, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, प्लस आया तो मतलब अपवर्ड, अपवर्ड है यानी पूरा सिस्टम क्या, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अपवर्ड है। जब ए का वैल्यू आप यहाँ रखिएगा, ए का वैल्यू यहाँ रखिएगा तो आपको टी ए आ जाएगा, यहाँ पे रखिएगा तो टी बी, टी ए वैल्यू यहाँ पर रखिएगा तो टी बी आ जाएगा, ये तो हर जगह रख देना है, यहाँ फिर रखिएगा टीवी का वैल्यू तो टी सी आएगा, सब में रखते जाइए आपको टी ए टी बी टी सी आते जाएगा। आइए एक बार करके दिखा देते हैं, ए आ गया, ए आ गया तो आपको यहाँ पे रखते हैं अगर इक्वेशन नंबर ए में, तो क्या हो जाएगा, 300 माइनस 5 g 50 माइनस टी ए इजल टू हो गया 5 into a क्या 25, या टी ए को उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 250 माइनस 25 बराबर टी ए, यानी 225 न्यूटन, टी ए क्या हो गया 225। ऐसे ही ए का वैल्यू और टी ए का रखिएगा तो टी बी आ जाएगा, सेम ऐसे रखते जाइएगा आपको टी ए टी बी टी सी आते जाएगा। ठीक, देखिए इतना इसमें टाइम लगा, इतना इक्वेशन लिखना पड़े, अगर आप मेथड नंबर 2 से करते हैं तो बस चुटकी में आ जाएगा टोटल। आइए इसको करते हैं, कैसे देखिए क्या है, पूरा आप तो जान गए, अगर इसको सिस्टम मानते हैं तो फिक्स है 300 न्यूटन फोर्स ऊपर है नीचे लगा 5 10, अगर नीचे नहीं भी समझ आता तो अगर अपवर्ड पॉजिटिव देते हैं नीचे, अगर उससे ज्यादा फोर्स वाली एम जी का वैल्यू लग जाता है, जैसे देखिए अभी तो क्या ये फिक्स है 300 ऊपर, एम जी का वैल्यू कितना होगा 200 होगा, तो अपवर्ड जाएगा, ये तो अपने देखने से लग रहा है कि सिस्टम आने से ये बॉडी ऊपर ही ऑसिलेट होगा। यहाँ ना मान लीजिए अगर यहाँ पर हम 100 न्यूटन फोर्स लगाते, 100 न्यूटन लगाते तो क्या था, एम जी का वैल्यू 200 था, 100 न्यूटन अपवर्ड था, डाउनवर्ड क्या था पूरा 100 न्यूटन, तो फिक्स था बॉडी क्या होता, नीचे आता, ये अगर रॉड होता नहीं सॉलिड होता तो क्या होता, ब्लॉक नीचे आता। तो अगर हम मान भी लेते ऊपर मोशनलेशन तो आपको निगेटिव आ जाता, क्योंकि आप एक कोई डायरेक्शन को, हम काइनेटिक्स में भी आपको ये बात बोले हुए हैं कि कोई एक डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव मानते हैं तो उसके अपोजिट को क्या, नेगेटिव। जैसे अगर इधर ही मान लिए पॉजिटिव
तो आपको लेना है इसके जस्ट अपोजिट में क्या नेगेटिव। हाँ तो ऊपर में अगर पॉजिटिव मानेंगे तो नीचे अपने आप क्या आ जाता है नेगेटिव, तो आपको पता चल जाता है कि चलो भाई ब्लॉक ऊपर नहीं जाके नीचे आएगा। लेकिन यहाँ पे चलिए हम माने हैं, आप लोग यहाँ पर 100 करके देखिएगा, बनाइएगा, फिर क्वेश्चन दीजिएगा टीएटीबीटी से बताइएगा। इसी क्वेश्चन में आप लोग फोर्स जो हम 300 न्यूटन लगाए वहां पर आप 100 न्यूटन का फोर्स लगाइएगा, उसके बाद आप इंसुलेशन टीए टीबी टीबी टीसी तीनों निकाल के हम कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तो आइए, या कि अगर कोई चाहते हैं तो फेसबुक पेज से आप वहां पे भी जो कंसेप्चुअल फिजिक्स क्लासेस का के नाम से है फेसबुक पे, उस पे जाके आप पोस्ट कर सकते हैं। तो आइए आप सर को मेथड नंबर 2 से करते हैं। तो सिंपल है, पूरे सिस्टम माने ये बराबर क्या हो जाएगा, एफ नेट अपॉन एम टोटल। एफ नेट क्या हो गया 300 माइनस एम जी, 5, 5, 10, 10, 20 जी अपॉन एम टोटल क्या हो गया 20। सिंपल आ गया 100, क्योंकि 20 जी 200 हो जाएगा अपन 25 मीटर पर सेकेंड। आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जब ये एक्सेलरेशन आ गया तो देखिए एक बार, एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम फोर्स किस पे लगा रहे हैं, 5 केजी ब्लॉक पे, लेकिन हम तो टीए पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं। तो इस ये जो है यहाँ पे यही पॉइंट जो यहाँ पे जो टेंशन होगा वही रिस्पॉन्सिबल है ना अपने से नीचे पार्ट को उठा के ले जाने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे ये मान लीजिए रॉड है, ये स्ट्रिंग है 10 kg, यहाँ क्या लगेगा टी, एक यही पार्ट है, यही जो है पॉइंट यहाँ पे जो फोर्स टेंशन है इसी टेंशन के कारण रिस्पॉन्सिबल है इसे अपने से नीचे पार्ट को ऊपर ले जाना। अगर यहाँ पे हम काट दे यहाँ पे, हाँ, या टूट जाए तो क्या जाएगा, नहीं जाएगा। तो मतलब ये टीए क्या है, अपने से नीचे को सभी को ले जाएगा। तो टीए बराबर सीधे क्या हो जाएगा, टीए इज इक्वल टू एफ नेट हो गया ना, टीए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन है 10 + 5 मीटर लेंथ है 15 × 5, नहीं तो इसे रखिए आप लोग, एफ नेट क्या हो गया टीए अपवर्ड माइनस एम जी 10 + 5 kg है, 5 मीटर का लेंथ है, 5g × 10 बराबर क्या हो गया 15 g हो जाएगा, 10 + 5 15g × 15, ये क्या है 5। यहाँ से टी ए क्या आ गया आपको 75 + 150, 15 150, ये क्या आ जाएगा 225 न्यूटन। आपको उसमें भी लागे दिखाए थे टी आ गया क्या 225। ऐसे ही जब टी भी निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, टी भी हो जाएगा, ये आप क्या बचेगा 2.5 kg, 2.5 kg 2.5 kg बचा। सिंपल है, यहाँ पर क्या कर दीजिएगा आप टी भी, ये टी ये इसको नोट कीजिए, उसके बाद जब ये हो जाए अब क्या हो जाएगा, टी की जगह क्या हो जाएगा टी भी, ये आप 15 kg की जगह क्या हो जाएगा 12.5 kg हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी मास क्या हो जाएगा 12.5। तो आपको यहाँ से टी बी क्या आ जाएगा, टी बी माइनस 125 12.5 × 10 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5.27 हो जाएगा, सही है। टी बी यहाँ से क्या हो जाएगा 125 + 72.5, ये हो जाएगा 0.5 × 7 = 197.5 हो गया। ऐसे सिंपल है टी सी, तो सिंपल है निकालने के लिए। टी सी के लिए क्या कीजिएगा, ये हट गया, ये क्या होगा टी सी, और नीचे ये क्या एम जी, ओके क्या लिखिएगा टी सी माइनस एम जी 10g बराबर 10 × 5, या टी सी बराबर क्या हो गया 150 न्यूटन, 100 इधर गया हो गया, टी सी क्या हो गया 150 न्यूटन।
देखिए मेथड टू से सिंपल है, हो जाएगा। तो आपको यही मेथड नंबर टू से ही करना है हमेशा। अगर हो तो शुरू में क्या कीजिए, 5 से 10 क्वेश्चन एबीडी बना के कीजिए, क्योंकि एबीडी भी प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, सिर्फ यही शॉर्टकट मेथड मेथड नंबर टू से करना है, ऑब्जर्वेशन मेथड से। ऑब्जर्व करके किधर कौन जा रहा, आइए आप पुल्ली का करते हैं एकदम। कि ये क्या होगा, टी पूछेगा, कोई बात नहीं, टी ए एम टी क्या होगा। ठीक, इसमें भी क्या करना है, पहले देखिए ऑब्जर्वेशन से अगर मान लेते हैं कि एम टू बड़ा है एम वन से, तो आपको फिक्स है ये पता है कि ये क्या होगा, नीचे आएगा, ये क्या होगा, ऊपर जाएगा, हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधे इसमें भी क्या कीजिएगा, एक तो क्वेश्चन लिख के कीजिए, एबीडी बना के M1 का एबीडी बनाइए, M1 हुआ नीचे लगा क्या M1 जी, ऊपर क्या लगा T, देखिए। और अब जो भी रहेगा स्ट्रिंग क्या मासले से दिया रहेगा, तो क्या होगा, यहाँ T है, जब तक स्ट्रिंग नहीं बदलेगा, टेंशन नहीं बदलेगा, तो यहाँ T, हर जगह T होगा, सेम होगा, हर जगह क्या होगा, T सेम होगा। जब तक कि स्ट्रिंग नहीं बदले तब तक टेंशन नहीं बदलेगा, बस कंडीशन क्या है कि मासलेस होना चाहिए। तो ये क्या होगा, ये देखिए इक्वेशन लिखिएगा, इसके लिए क्या हो गया, टी माइनस एम जी इजकल टू एम वन जी इजकल टू क्या हो गया, एम वन हो गया इक्वेशन नंबर वन। ऐसे इसके लिए लिखिए, इसके लिए लिखिएगा, तो देखिए अपवर्ड को माने हैं क्या, पॉजिटिव माने, तो देखिए क्या होगा, ये t हो गया माइनस m2 g बराबर क्या हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन किधर है, नीचे ना, तो माइनस m2 a होगा। तो अब ये देखिए करते हैं, ये हो गया इक्वेशन नंबर टू, हो गया। तो आप घटा दीजिए, वन माइनस टू कीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, M2 बोला है ना, तो 2 माइनस 1 कीजिए, नहीं तो 1 माइनस 2 कीजिए, तो क्या हो जाएगा, आपको टी टी कट जाएगा, ये हो जाएगा क्या, माइनस एम वन जी प्लस एम टू जी बराबर क्या हो जाएगा आपको, ए एम टू एम वन प्लस एम टू, या ए बराबर क्या हो जाएगा, एम टू जी माइनस एम वन जी अपॉन एम वन प्लस एम टू, हो जाएगा। और इसी को एक बना लेना है कंसेप्ट, क्या है इसमें एम टू जी, देखिए एम टू जी, अब ऑब्जर्वेशन से समझ गए कि एम टू है नीचे जाएगा, एम वन छोटा है तो ऊपर जाएगा। तो इसी को एक फिर वही कंसेप्ट, ए बराबर क्या, एफ नेट अपॉन एम टोटल, जहां अगर एसलेशन जब सेम हो। अभी क्या है, जो ये ब्लॉक भी ए से जाएगा, ये भी ए से ही आ रहा है, जब अगर एसलेशन डिफरेंट होगा उस टाइम अलग देखा जाएगा, लेकिन क्या अभी ए बराबर एफ नेट अपॉन एम टोटल हो जाएगा। उससे देखिए डायरेक्ट, जब आप ऑब्जर्वेशन से अपने कॉमन सेंस से देख लेंगे कि ये ब्लॉक क्या नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो सीधे लिख सकते हैं क्या, देखिए इसमें क्या लगेगा, एम टू जी लगा, हाँ, और ये मान लीजिए क्या कहते हैं, ये कोई इधर कोई पॉजिटिव रहने दीजिए, ये क्या हो गया एम वन जी हो गया। देखिए जब ब्लॉक नीचे आ रहा है ये ऊपर जा रहा है, तो इस नीचे आने में एम टू जी क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, और एम वन जी क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो ए बराबर लिखिएगा एम टू जी सपोर्ट कर रहा है माइनस एम वन जी क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है अपॉन एम टोटल, लेकिन मास टोटल है ना,
यही एम टू जी के कारण ही ये पूरे सिस्टम नीचे आ रहा है। उसमें क्या एम टू जी सपोर्टिंग फोर्स हो गया, एम वन जी क्या हो गया अपोजिंग फोर्स। लेकिन यही जो एम टू जी है जो सपोर्टिंग फोर्स है उसी के कारण क्या पूरा सिस्टम आ रहा है ना, एम वन भी जा रहा है। तो यही रिस्पॉन्सिबल है फोर्स, एम वन जी को भी ये काउंटर अटैक कर रहा है प्लस इसको भी इंसुलेशन दे रहा है। तो क्या हो जाएगा सपोर्टिंग, इसे लिखिएगा सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन एम टोटल। एम टोटल क्या हो गया एम वन प्लस एम टू, या इसी को क्या हो गया एफ नेट अपॉन एम टोटल। उसके लिए क्या टोटल सपोर्ट माइनस टोटल अपोज हो गया। ये करते हैं एक दो क्वेश्चन तब क्लियर होगा सब। जैसे लिखिए इसी में 2 kg 5 kg, आपको पूछेगा आइसोलेशन क्या होगा फिक्स, ये इधर आएगा तो ये इधर जाएगा होगा हाँ, इसमें कोई बात नहीं। तो सीधे ए बराबर क्या हो जाएगा एन एफ से, यहाँ से 5g माइनस 2g अपॉन 2 प्लस 5 5g ये 2g ओके। तो इंसुलेशन क्या हो गया 50 माइनस 20 या 5g माइनस 2g क्या हो गया 3g अपॉन 5 7, ये क्या हो गया 30 अपॉन 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। फिर मिलेगा टी क्या होगा, सिंपल इक्वेशन लगा दीजिए इस पे, लगाइएगा इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन क्या हो गया टी ऊपर 2g नीचे और एसलेशन क्या ऊपर हो गया। तो लिखिएगा टी माइनस 2g और देखिए जो फोर्स ज्यादा है उसी के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया कीजिए, हाँ बार बार बोलने की जरूरत नहीं, इंटू एम ए, एम ए की जगह 2 इंटू ए की जगह 30 अपॉन 7 हो गया, या टी बराबर क्या हो जाएगा 60 अपॉन 7 प्लस 20, ये हो गया कितना 7 56 4 60 4 40 मान लीजिए 8.6 है प्लस 20 क्या हो गया 28.6 एवरेज माने हैं, जो कि थोड़ा और आधा पॉइंट में लेकिन मान लिया से आ गया सिंपल। चलिए ये हुआ, आइए देखिए कोई ये टेबल है, टेबल है यहाँ पर मान लीजिए मास क्या एम वन, ये मास एम टू, तो आपको यहाँ एक या हो जाएगा ए बराबर, देखिए ये क्या हो जाएगा एम टू जी नीचे यहाँ पर देखिएगा। तो टेंशन देखिए जो यहाँ टी होगा वो यहाँ भी टी होगा, होगा यहाँ पर ये क्या हो जाएगा एम टू जी सपोर्टिंग फोर्स हो गया एम टू जी, लेकिन माइनस अपोजिंग फोर्स कुछ नहीं, ये जो एम वन जी है ये एम वन जी ये क्या ये तो नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन, इसको अभी अब मोशन के डायरेक्शन से इसे कोई मतलब नहीं है, ना ये तो अपोज कर रहा है ना ही सपोर्ट कर रहा है, ये क्या नॉर्मल कंडीशन में है ये हाँ। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन से इसका मतलब है नॉर्मल, जो नॉर्मल एक्शन ये कर रहा है इसे मोशन के डायरेक्शन में कोई या मोशन में कोई भागीदारी नहीं है। तो यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा एफ नेट क्या हो गया एम टू जी प्लस अपॉन क्या हो जाएगा एम वन प्लस एम टू हो जाएगा सेम। तो ले लीजिए मास अगर ले लेते हैं यहाँ पे एम टू ले लीजिए ये 5 kg, ये ले लीजिए 1 kg, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 5g, एक यही सपोर्टिंग फोर्स है 5g माइनस कहीं आप कुछ है नहीं जीरो लेने रहने दीजिए अपन क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 क्या हो गया 6 50 अपॉन 6 मीटर पर सेकेंड, उसका एक्सेलरेशन
टेंशन निकाल लीजिएगा, टी टेंशन वर्ब क्या हो जाएगा, टी माइनस एम जी, एम जी क्या हो गया 5g, इसका टू क्या हो गया एसलेशन इधर होगा, नहीं तो टी मत उधर लीजिए, इधर से लीजिए 5g, इधर का ही मान लेते हैं पॉजिटिव, नीचे पे 5g माइनस टी इजकल टू क्या हो गया 5, ये एक जगह क्या हो गया 50/6, यहाँ से टी क्या हो जाएगा 5g 50 माइनस ये हो गया 250/6 बराबर टी, बताएगा ये सॉल्व कीजिएगा आ जाएगा 300 - 250 यानी क्या हो जाएगा 50/6 न्यूटन, टेंशन भी आ गया 50/6 आ गया टेंशन भी। सेम फिर इसी को आगे अगर बढ़ाते हुए यहाँ भी एक अगर दे देते हैं तो देखिए फोर के जी ले लेते हैं तो आपको एसलेशन पूछेगा, एसलेशन के लिए क्या फिर लिखिए एफ नेट अपॉन एम टोटल, चलिए एफ नेट अपॉन एम टोटल हो गया, एफ नेट की जगह क्या देखिए, ये देखिए मोशन क्या फिक्स है, ये ब्लॉक ज्यादा है तो इधर ही आएगा, ये ब्लॉक क्या हो इधर जाएगा, ये ब्लॉक इधर आएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो देखिए मौसम में सपोर्ट कौन कर रहा, ये M2G क्या M5G और अपोज कौन कर रहा, ये तो ना सपोर्ट कर रहा है ना अपोज कर रहा है, वो अपना नॉर्मल बैठा हुआ है, न्यूट्रल है वो, क्या है E1 KG क्या है न्यूट्रल है, इसे तो लेना है ना देना है किसी से, और अपोज कौन कर रहा है 4G क्योंकि मौसम इसका इधर है और इसका फोर्स ये वेट किधर है इधर, तो ये मोशन में कौन कर रहा है, ये अपोज कर रहा है माइनस 4g अपॉन m टोटल, m टोटल कितना हो गया 5 + 6 + 4 = 10 हो गया, यानी ये क्या हो गया 5g माइनस 4g g अपॉन 10 या 1 m/s² हो गया, यानी 1 m/s² से एक ब्लॉक ऊपर जा रहा है ये राइटवर्ड जा रहा है ये नीचे आ रहा है, तो पूछेगा टेंशन, टेंशन देख लीजिए यहाँ से भी इस, जब इसी का लिख लीजिए इक्वेशन, तो ये क्या हो गया ऊपर जा रहा है टी माइनस 4g इक्वल टू क्या हो जाएगा मास गुना एक्सीलरेशन 4 × acceleration 1, यहाँ से क्या हो गया टी इक्वल टू 40 इधर गया 44 हो गया टेंशन 44, ये हो गया ये T1 क्या हो गया T1 ये हुआ 44 N, ऐसे ही T2 यहाँ निकाल लीजिएगा, T2 क्या हो जाएगा ये इधर आ रहा है तो इधर सब लिख लीजिए, इधर ही पॉजिटिव ये हो गया क्या 5g माइनस टी इजकल टू क्या हो गया 5 × acceleration 1 हो गया, या टी इजकल टू उधर चल जाएगा तो 5g - 5 इजकल टू टी, या T2 इजकल टू क्या हो जाएगा T2 इजकल टू 5g 50 - 45 हो गया, T1 आया क्या इस स्ट्रिंग में 44 N उधर 45 N, सिंपल है, अगर इसी को आप करते हैं इक्वेशन लिख लिख के तो बहुत लेंथी जाता और बहुत टाइम जाता, तो इक्वेशन ये एबीडी बना बना के हर जगह नहीं करना, बस ऑब्जर्वेशन करना कि कौन क्या किधर जा रहा है, कौन फोर्स सपोर्ट कर रहा है, कौन फोर्स अपोज कर रहा है, आइए देखिए एंगल थीटा है, ये एम है, इधर भी एम मान लीजिए,
तो आपको पूछेगा कि एसिलेशन क्या होगा, फिक्स है कि एक बार देखिए पहले को, जो इसका जो हम आपको इक्वेशन वो एबीडी बनाना सिखाए थे, यहाँ क्या लगेगा एमजी, एमजी क्या लगता है हमेशा डाउनवर्ड। और बोले थे ये तो मौसम जब भी होगा इंक्लाइन के लॉन्ग ही होगा, ये नहीं और तो जाएगा नहीं, तो इसका क्या है कंपोनेंट एबी ये इसी के अलॉन्ग, तो ये इंक्लाइन के लॉन्ग और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, ये देखिए ये क्या होगा नॉर्मल के डायरेक्शन, इतना नहीं ये ब्लॉक पर क्या लगेगा इधर नॉर्मल लगेगा परपेंडिकुलर एकदम, यहां से परपेंडिकुलर होना चाहिए। और एक इधर ये क्या है परपेंडिकुलर इंक्लाइन के लॉग, ये तो ये देखिए थीटा ये आएगा यहाँ तो 90 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो mg का कंपोनेंट इंक्लाइन के लॉग तोड़िएगा क्या हो जाएगा mg cos 90 माइनस थीटा, या क्या हो जाएगा mg sin थीटा, ये हमेशा याद ही रखिए mg से। और नॉर्मल के लॉग क्या हो जाएगा ये mg cos थीटा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा थीटा होगा। तो देखिए नॉर्मल के लॉग तो कोई मोशन नहीं है, कोई इक्विलिब्रियम में है, तो n बराबर क्या हो जाएगा mg cos थीटा हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा mg cos थीटा, और इंक्लाइन का लॉग क्या है mg sin थीटा हो गया। तो आपको अगर ये पूछेगा ये क्या होगा, तो देखिए ये जो है इस ब्लॉक mg अब फोर्स नहीं लगा कि ये क्या होगा mg लगा पाएगा mg sin थीटा, तो ये बराबर क्या होगा f net अपॉन m टोटल, और f नोट में क्या बोले थे कि f सपोर्टिंग माइनस f अपोजिंग, तो सपोर्ट कौन कर रहा है एक mg, क्योंकि आप जानते हैं मोशन इधर ही होगा, होगा ना, क्योंकि ये mg भारी है तो इसका कंपोनेंट कुछ इधर आ रहा है, इसका पूरा कंप्लीट है इधर, तो ब्लॉक इधर ही आएगा, अगर नहीं आप इधर भी मान लेते तो कोई दिक्कत नहीं, अपने आप आपको क्या होगा नेगेटिव आ जाएगा, तो इधर ही आएगा। तो एफ सपोर्टिंग मोशन में क्या है mg, और अपोज कौन कर रहा है mg sin थीटा, क्योंकि ये इधर जाएगा ना, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो mg माइनस mg sin थीटा अपॉन m टोटल m प्लस m हो गया। तो देखिए हर जगह आराम से सिंपल है, बस वही देखना कि कौन सपोर्ट कर रहा है कौन अपोज कर रहा है। अगर यहाँ पर m का कोई मास होता है मान लीजिए 1 kg 1 kg ले लीजिए, साइन थीटा थीटा इक्वल टू ले लीजिए 30 degree, ठीक, तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 1g माइनस 1g इंटू साइन 30 क्या हो जाएगा 1/2 अपॉन 112 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1g माइनस 1g/2, या जी को वैल्यू रख दीजिए तो 10 माइनस क्या हो गया 10/2 अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा 5/2, ये क्या हो गया 2.5 meter 2.5 meter per second square। देखना एकदम सिंपल है, बस खाली आपको देखना कि कौन सा सपोर्ट कर रहा है कौन सा अपोज कर रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन लाइए होता है। ये एंगल 60, ये एंगल 30 degree, हाँ ये मान लीजिए ये क्या हो गया था 90, 90 छोड़िए लिखने, चलिए ये भी मास m, ये मास m, तो आपको पूछेगा एक्सेलरेशन क्या होगा टेंशन क्या होगा। देखिए अगर आप थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाएंगे ऑब्जर्वेशन से, तो आपको लगेगा ये ब्लॉक नीचे आएगा, एक्सेलरेशन क्या होगा इधर, क्यों कि जितना जो इंक्लाइन होता है जितना एंगल, ये देखिए यहाँ पर अगर ज्यादा है ये एंगल ज्यादा खड़ा करके रखते हैं इस पर कोई सामान तो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि इधर क्या लगेगा देखिए इधर क्या लगेगा एम जी साइन 60 degree, और ये क्या लगेगा एम जी साइन
30 डिग्री एम जी तो कॉन्स्टेंट है, तो साइन 60 क्या देखिए, साइन 30 की वैल्यू क्या होता है 1/2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, और वहां से चलिए साइन 0 क्या होता है 0, साइन 90 क्या होता है 1 होता है, तो ये क्या है इंक्रीजिंग है, 0 से 90 क्या है इंक्रीजिंग है, तो जितना एंगल बढ़ते जाएगा उसका वैल्यू बढ़ते जाएगा, तो उसका कंपोनेंट भी क्या होगा, उसका जो कंपोनेंट आएगा वो क्या बढ़ते जाएगा, इसलिए क्या होगा कि जो फोर्स है उसका कंपोनेंट इधर ज्यादा आएगा, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा mg sin 60 बड़ा होगा mg sin 30 से, तो फिक्स है ब्लॉक, ये एक्सेलरेशन a से इधर होगा, ये a से एक्सेलरेट इधर होगा, ठीक, मोशन क्या होगा इससे होगा a बराबर क्या हो जाएगा f सपोर्टिंग, सपोर्ट कौन सा कर रहा है mg sin 60 डिग्री, mg sin 60 डिग्री माइनस अपोज कौन कर रहा है mg sin 30 डिग्री अपॉन 2m हो गया m प्लस m, देखिए mg कॉमन ले लीजिए, mg कॉमन ले लीजिए, sin 60 हो गया क्या √3/2 माइनस 1/2, √3/2 माइनस 1/2 अपॉन 2m या mm कट गया, तो आपको बच गया क्या g/2 इंटू √3 माइनस 1/2, √3 माइनस 1/2, ये क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, अंदर इसी में रखिएगा तो क्या हो जाएगा टेंशन, तो देखिए चलिए सिंपल है हर जगह यही करना है आपको, सपोर्टिंग माइनस अपोज करना, खाली ध्यान रखना है कि काम किधर जा रहा है और एक ही एक्सेलरेशन से जा रहा हो तब, ठीक है, ये क्वेश्चन और करते हैं, चलिए इसमें बोलेगा कि आपको एक्सेलरेशन बताइए क्या होगा, फिर जैसे हम अगर मान लीजिए आप नहीं समझते तो बोलिएगा कि चलिए ये ब्लॉक इधर है, ठीक, ये इधर जाएगा, इसके अकॉर्डिंग क्या लिखना है हमको, इक्वेशन लिखना है, ये क्या होगा, ये इधर जाएगा, ये भी इधर लेगा, तो आइए लिखते हैं, सिंपल है फंडा, एम जी सपोर्टिंग क्या होगा, जिधर हम डायरेक्शन एक्सेलरेशन के माने हैं उधर डायरेक्शन में एम जी क्या कर रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं, mg सपोर्ट कर रहा, और ये क्या हो गया 2mg, ये 2mg sin थीटा, sin 30 यहां भी क्या आ जाएगा 2mg sin 30 क्या कर रहा है अपोज कर रहा है, माइनस 2mg sin 30 माइनस 2mg sin 30 क्या कर रहा है अपोज अपॉन m, टोटल क्या हो गया m प्लस 2m प्लस 2m हो गया, यहाँ से आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा mg माइनस 4mg sin 30 के वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ से आपको आ जाएगा क्या ये 2mg माइनस 2mg ये क्या हो जाएगा अपॉन 5m, या ये बराबर क्या आ जाएगा आपको mg माइनस 2mg माइनस mg माइनस mg अपॉन 5m, mm कट गया यानी माइनस g/5, देखिए जिधर माने थे उसका नेगेटिव आया तो ये इधर आके नहीं क्या हो जाएगा इधर जाएगा ये इधर आएगा, सिंपल है, तो देखना किधर माने हैं उधर के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है क्या होगा सपोर्टिंग, और उसके अपोजिंग में क्या होगा अपोजिंग, अगर यहाँ 2m के जगह mm होता तब उसका एक्सेलरेशन क्या होता, हाँ
तो क्या हो जाता है इसलेशन, अब देखते हैं तो जीरो आ जाएगा, चेक कीजिएगा क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि एम जी लगेगा इधर माइनस एम जी साइन थर्टी माइनस एम जी साइन थर्टी, क्या हो जाएगा एम जी जीरो हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा जीरो, यानी बॉडी मूव नहीं करेगा वहीं पे रहेगा। चलिए आज तक इतना ही रहने दीजिए, इसके बाद आप जब अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे जब ब्लॉक अलग अलग इंस्टॉलेशन से मूव करेगा उसमें अलग कंसेप्ट है, एक जो है कंसेप्ट वर्क डन बाय स्ट्रिंग टेंशन इज जीरो होता है, वो से हम प्रूव करके दिखाएंगे कैसे होता है। वो मेन है कि स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट होता है, क्योंकि जो ये स्ट्रिंग लेंथ है बदल तो नहीं जाएगा ना, वो कांस्टेंट होता है, ये सब थोड़े कि बढ़ जाएगा घट जाएगा वो नहीं, तो उसी के बेस्ट पे एक पॉइंट बनता है, कंसेप्ट बनता है कि वर्क डन बाय स्ट्रिंग टेंशन इज जीरो, उसे बहुत जल्दी जल्दी जैसे इस मेथड से देखिए आंसर तुरंत आ जा रहा है इसलिए टेंशन, उसी वैसे ही उस मेथड से आपको तुरंत एसलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन एसलेशन और ब्लॉक्स आ जाएगा। A180 तीन ब्लॉक हो चार ब्लॉक हो अगर सब अलग अलग एसलेशन से चल रहा है तो सेकेंडों में आप ये निकाल लेंगे कि उस सभी के बीच में एसलेशन का रिलेशन क्या है, अगर एक A1 से जा रहा है तो दूसरा A2 से जा रहा है तो A1 A2 में रिलेशन क्या होगा, A1 इज इक्वल टू 5 A2 या 2 A2 क्या है, वो आप तुरंत चुटकी में निकालेंगे वो सिखाएंगे। तब तक के लिए जो बच्चे अगर आप पढ़ंतु बच्चे हैं तो आप पढ़ंतु चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो मेरा कंसेप्चुअल फिजिक्स क्लासेस फेसबुक पेज है उसको लाइक कर दीजिएगा, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। थैंक यू।